बच्चों को ना बड़ी जोर से भूख लगी है, तो एक ही जवाब आता है, मम्मी फटाफट कुछ बना दो। अब मम्मी क्या मतलब जादूगर है क्या, फटाफट कुछ बना देगी? भैया जादूगर बन सकती है ये रेसिपी के साथ, क्योंकि इसमें ना फटाफट वाला काम है सब कुछ। देखो मैंने फटाफट सारी चीज़ें चॉप कर दी हैं, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स चॉप कर ली है, फ्रोजन कॉर्न मेरे पास फ्रिज में पड़ा था वो ले लिया है, थोड़ा सा रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम ले लिया उसके चॉप कर लिया है, स्प्रिंग अनियन चॉप कर लिया और जिंजर गार्लिक चॉप कर लिया है, ये सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पास थी, अब बन कर रहा है बर्नड गार्लिक फ्राइड राइस। शेजवान फ्राइड राइस को आपने बहुत सराहा, थैंक यू वेरी मच, इसलिए आज मैं एक और वैसी ही रेसिपी लेके आया हूँ, बढ़िया बर्नड गार्लिक फ्राइड राइस। चलिए बनाते हैं। जब भी चाइनीज खाना आप घर पे बना रहे हैं, मेक श्योर दैट जो भी पैन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास ये वॉक नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में बना लें, पैन में बना लें, लेकिन उसे सुपर हॉट कर लें, क्योंकि चाइनीज़ खाना जल्दी बनता है, हाई फ्लेम पे बनता है, और इसके लिए चाहिए आपको सुपर हॉट पैन। अब बर्न्ड गार्लिक के लिए पहले गार्लिक को ऑलमोस्ट बर्न कर लेते हैं, मतलब गोल्डन ब्राउन बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फ्राइड गार्लिक निकाल लिया गया है क्योंकि वो ऊपर से जाएगा। अब इसमें डलेगा होल रेड चिलीज, जिसे डायमंड में काटा गया है, मतलब अच्छी लगती है देखने में, और कोई रीज़न नहीं है। साथ में डलेगा जी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और इससे जो खुशबू आएगी ना अमेजिंग। अब गई जी इसमें सब्जियां, कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, गाजर, स्प्रिंग अनियन के जो बॉटम्स होते हैं वाइट पार्ट, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक। एक बार सब्जी को अच्छे से टॉस कर लिया जाए, फिर इसको निकाल लेते हैं साइड में। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, सब्जी क्यों निकाल ली, यहाँ तो फ्राइड राइस बन रहा था। अरे रुको भैया, अच्छा वाला बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस बन रहा है, साथ में अंडे डालेंगे, अगर नहीं डालें अंडे तो वेज खा लो, नो प्रॉब्लम। चिकन डालना है चिकन डाल लो, प्रॉन डालना है प्रॉन डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो। अब अंडे अगर डालने हैं ना तो उसकी टेक्निक है, और वो टेक्निक बता रहा हूँ। हल्का सा तेल और सेम कढ़ाई में अब ये सब्जी जो है ये गई वापस। क्या है ना भैया, हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक अलग रोल है। पहले से प्री कुक्ड राइस गया इसके अंदर, फ्राइड राइस में एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि चावल के साथ साथ ही बाकी सारी चीजें डाली जाएं, क्योंकि चावल को एक बार ही हम टॉस करेंगे, बार बार करेंगे तो टूट जाएगा। अब इसमें नमक डाला हल्का सा, हल्की सी सोया सॉस, साथ में डलेगा थोड़ा सा विनेगर,
एंड अ होल लॉट ऑफ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, फाइनली सम चिली सॉस. अब ये जो फ्राइड गार्लिक हमने बना के रखा था ना, वो जाएगा इसके ऊपर बढ़िया से. तो आप जब बाइट लेंगे राइस की, उसके ऊपर एक फ्राइड गार्लिक की बाइट भी आएगी. एक्चुअली बर्न्ड गार्लिक इज अ वे टू से इट, मतलब ये गार्लिक ऑलमोस्ट बर्न होने वाला है, डार्क ब्राउन हो गया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बर्न्ड गार्लिक. गार्निश विद सम फ्रेश स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स. And we are ready to have fun with this fried rice. Well, पूरी family के लिए ये bowl मिनटों में बन जाएगा और आपकी family में खुशियाँ भर देगा. और क्या चाहिए, मतलब quick recipe, amazing recipe, tasty recipe with this amazing burnt garlic fried rice. Make it your own way with either chicken, egg, prawn or just veg.